सो गाइस व्यूअर हम आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वी एस केटर। तो हम अभी कानपुर की एक नई लोकेशन पे, तो आज हम लोग की जो लोकेशन है वो भी बिराना रोड में है। तो अभी हम लोग आए हैं पॉपुलर मैंगो शेक में और उनके पास है कुछ अलग तरह का रबड़ी फालूदा जिसको हम लोग अभी चलेंगे बनवाएंगे उसके करेंगे आपके साथ शेयर देर। और भी काफ़ी तरह के जूस वगैरह हैं तो मेरे पीछे देख रहे होंगे आप लोकेशन पे, काफ़ी अच्छी शॉप है। तो चलते हैं अभी और चल पे सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। लोकेशन की बात करूँ तो आपको अपोजिट में मिल जाएगा ये निरंजन ज्वेलर्स बना हुआ है, निरंजन अशोक ज्वेलर्स, उसके जब अपोजिट में है। बाकी लोकेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलते हैं, लगवाते हैं अपना रबड़ी फालूदा, उसके करेंगे आप टेस्ट शेयर। तो ये है अंकल जी की पूरी लोकेशन और ये अंकल जी है जो यहाँ के ओनर है। अंकल तो क्या नाम है आपका? अंकल अच्छा, तो लगभग कितना टाइम हो गया आपकी शॉप में? 17 साल हो चुके हैं। 17 साल से आगे बैठे हैं अच्छा। और क्या टाइमिंग वगैरह है अभी शॉप की? 3 से 12। और लोकेशन क्या होगी यहाँ पर? रोड। और क्या क्या वैरायटी है आपके पास? तो अंकल जी लगा दीजिएगा हमारी रबड़ी फालूदा। अंकल जी क्या रबड़ी है? ये रबड़ी है, ये फालूदा है और ये काफ़ी सारा जूस बन रहा है। जूस में अंकल कौन कौन सी वैरायटी होगी? मैंगो शेक है, मिल्क शेक है, मिल्क बादाम है, चॉकलेट है। तो लगा दीजिएगा हम लोग ये रबड़ी फालूदा। तो भाई कौन सा सिरप जा रहा है? ये केसरिया, केसरिया सिरप। नीचे रबड़ी है, ऊपर फालूदा है, ये केसरिया और उसके ऊपर आइस चाहिए। मतलब मिक्सर का काम किया जा रहा है चम्मच से। ये मेवा है, मेवा आ गई, रेडी हो गया ये, रेडी हो गया। ये रही है, 5 मिनट भी नहीं लगा, लगभग तैयार हो गई अपनी ये रबड़ी फालूदा। तो गाइस ये है इनका ये रबड़ी फालूदा। और एक बार बता देते हैं किस तरह की मेकिंग है। नीचे ली गई रबड़ी, उसके बाद नीचे लिए गए सेव जो होते हैं बिल्कुल कॉमन टाइप के, उसके बाद आइस गई है, उसके बाद गए ड्राई फ्रूट्स और बिल्कुल चम्मच से अंदर अंदर ऐसे ऐसे करके बिल्कुल तैयार कर दिया गया है गिलास। और अब करते हैं इसकी टेस्टिंग भाई। अंकल ने जो इसमें केसरिया सिरप डाला था मुझे नहीं पता भाई किस चीज़ का है, लेकिन अगर आप इसकी स्मेल करें तो एक अलग ही टेस्ट आ रहा है उस केसरिया सिरप का। और डाली गई है तो एक बाइट और लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा हैवी लोडेड गिलास से आप देख रहे होंगे, प्राइस तो मुझे नहीं पता है, बाकी मैं आपसे रेट भी शेयर कर दूँगा अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काफ़ी ज़्यादा लोडेड गिलास है तो मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ है ये। और काफ़ी को डाला गया, बस ये बहुत जल्दी बना के दे दिया है और काफ़ी चीज़ों का इसमें फ्लेवर आ रहा है अलग अलग। केसर का तो बिल्कुल एक अलग ही टेक्सचर आ रहा है तो मेरे को तो अच्छा लगा है। तो भाई साहब गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आप लोग का भी कुछ भी ठंडी चीज़ खाने का मन कर रहा हो, पीने का मन कर रहा हो, तो आप लोग आ सकते हैं इनके इस लोकेशन पर। मैंगो शेक, बादाम शेक और भी बहुत तरह की चीज़ें आपको मिल जाएगी इनके इस लोकेशन पर। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं दिखाऊंगा आपको इसी तरह का बेस्ट इंडियन फूड, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय। और फिर उन वीडियो लोगों के दोस्तों के साथ वीडियो को बहुत शेयर करना जो ये फालूदा वगैरह के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।